पुण्य सलीला भगवती गंगा। भगवती भगीरथी गंगा का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव पापियों की सद्गति एवं पृथ्वी को पवित्र करने के लिए हुआ है। सूर्यवंश के राजा सगर बड़े बलवान, धर्मात्मा, कृतज्ञ, गुणवान और परम बुद्धिमान थे। वे बड़े विनयी एवं सद्गुणों का भंडार थे। उन्होंने अपने बल से अपने पिता के शत्रु सभी राजाओं को परास्त कर संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित किया था। दुर्भाग्यवश राजा सगर 60,001 पुत्र थे। वे सभी बुरे आचरण वाले एवं दुष्ट प्रवृत्ति के थे तथा अपने अपने शारीरिक सुख सुविधा एवं ऐशो आराम में संलग्न रहते थे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कार्यों में सदा विघ्न डालते। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली थी और सदाचार का नाश कर डाला था। पृथ्वी के लोग ही नहीं, देवता भी उनके दुराचारों से त्रस्त हो गए थे। एक बार धर्मात्मा राजा सगर ने महर्षियों के सहयोग से अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। सगर पुत्रों से त्रस्त देवताओं को उनके पुत्रों के विनाश का उपाय हाथ लग गया। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के लिए नियुक्त घोड़े को चुराकर पाताल में तपस्या में संलग्न महान वीतराग महात्मा कपिल जी की कुटिया के पास बांध दिया। घोड़े की खोज में सगर के पुत्रों ने समस्त पृथ्वी छान मारी, परंतु उन्हें कहीं भी यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। अंत में उन पुत्रों ने पाताल में जाने के लिए पृथ्वी खोदनी आरंभ कर दी और वे पाताल में पहुंच गए। पाताल में खोजते खोजते वे लोग भगवान कपिल देव की गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली महात्मा कपिल जी का दर्शन किया। वे ध्यान में निमग्न थे। वहां एक परम सात्विक प्रकाश की छटा थी। वे सभी वहां घोड़ा देखकर क्रोध में भर गए। सगर पुत्र परस्पर चिल्लाने लगे, इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, इसे मार डालो, इसी ने घोड़ा चुराया है। यह साधु नहीं है, बगुला भगत है। महात्मा कपिल जी पूर्ववत ध्यानस्थ थे। उन लोगों के चिल्लाने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी वृत्ति पूर्ण रूप से ब्रह्मा के ध्यान में लीन थी। उन्हें ब्रह्म जगत का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं था। जब उन्होंने नेत्र नहीं खोले, तब सगर पुत्र उनकी बाह पकड़कर उन्हें लातों से मारने लगे। बहुत देर बाद कपिल मुनि को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे विस्मित से सगर पुत्रों को देखने लगे। साधु पुरुषों का केवल अपमान अथवा उन्हें कटु वचन बोलना ही पूरे वंश के विनाश का कारण हो सकता है। वह अनेक दुखों का सृजन करने वाला होता है। भगवान संतों का अपमान सहन नहीं करते। संत सती सदैव पृथ्वी पर मंगल करते आए हैं। सगर पुरुषों के पापों की दुष्कर्मों की इति हो गई थी। जहाँ धन होता है, जवानी होती है और साथ में अविवेकता होती है, वहाँ पतन अवश्यम भावी है। सगर पुत्रों में अविवेकता भरी थी। उन्होंने बिना कारण ही, बिना विचार किए ही महात्मा कपिल देव को सताया था। देखते ही देखते भगवान कपिल के नेत्रों से आग प्रकट हो गई, जिससे सभी सगर पुत्र तत्काल भस्म हो गए। साधु संतों का कोप दुसह होता है। देवदूतों द्वारा महाराज सगर को अपने पुत्रों के घृणित व्यवहार का समाचार विदित हुआ। अपने पुत्रों के विनाश से राजा सगर को दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनके दुष्चरित्र को वे भली भांति जानते थे। सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को महात्मा कपिल देव के पास जाकर उनका कोप शांत करने के लिए भेजा। अंशुमान बुद्धिमान, विद्वान एवं भक्त पुरुष थे। वे पाताल में ढूंढते ढूंढते मुनिवर कपिल की गुफा पर पहुंचे। अंशुमान ने कपिल देव जी को साष्टांग प्रणाम किया। वे विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे पिता के भाइयों ने आपके साथ दुष्टता की है, उन्हें क्षमा करें। वे अज्ञानी थे, आपकी महिमा का उन्हें ज्ञान नहीं था। आपका स्वभाव तो चंदन की तरह है, मेरे इन पितरों का आप उद्धार करें, आप सदैव ही क्षमावान हैं। अंशुमान की प्रार्थना से कपिल मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पौत्र भगवान की आराधना करके, उन्हें प्रसन्न करके और पुण्य सलीला गंगा को यहाँ लाकर सभी सगर पुत्रों को निष्पाप बना देगा। उन सबको परम पद की प्राप्ति होगी। अंशुमान कपिल देव से आशीर्वाद प्राप्त करके और उनसे घोड़ा लेकर अपने पितामह के पास वापस लौट आए। सगर ने यज्ञ को संपूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके वैकुंठ की प्राप्ति की। अंशुमान का दिलीप नामक पुत्र हुआ। भगीरथ इन राजा दिलीप के पुत्र थे। अपने पितरों के उद्धार हेतु भगीरथ ने दीर्घकाल हिमालय पर कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शंकर की तपस्या की।
उनके तप से वे तीनों देव प्रसन्न हो गए। उन्हें प्रसन्न करके भगीरथ देव नदी गंगा को इस पृथ्वी पर ले आए। जगत को एकमात्र पावन करने वाली गंगा समस्त जगत को पवित्र करती हुई राजा भगीरथ के पीछे पीछे आकर सगर पुत्रों के भस्म को पल्लावित करती हुई बहने लगी। उनके भस्म का गंगा से स्पर्श हुआ और वे सभी विष्णु धाम को चले गए।